Good morning, gentlemen. Good morning. Oh, please, please, sit down. Gupta, Dhanpat Rai Singhania और बलदेव सिंह ठाकुर तो पहुंचे ही नहीं. इन दो महारथियों के बगैर तो कोरम पूरा ही नहीं हो सकता. 11 बजने में 2 मिनट की देर है सर. दे विल बी हियर ऑन द डॉट. पहुंचेंगे तो दोनों साथ साथ ही, दो समानांतर रेखाओं की तरह, साथ होकर भी एक दूसरे से विपरीत, दो प्रतिद्वंद्वी की तरह. साहिबान, आप लोग अपने टेंडर सबमिट करें उससे पहले मैं हरमेश मल्होत्रा गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं. जेंटलमैन, पिछले 23 सालों में गैलेक्सी ग्रुप ने इतने बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग नहीं की है. पहली मर्तबा हम एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं. 5,000 acres के लैंडस्केप पर एक आलीशान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं और गैलेक्सी ग्रुप के लिए यह एक सुनहरा ख्वाब है और इसको पूरा करने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे. जेंटलमैन, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए हमने देश के चंद चुने हुए बिल्डर्स यानी कि आप लोगों को इनवाइट किया है और आखिर में गैलेक्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी भेदभाव के बगैर, किसी भी पक्षपात के बगैर इस प्रोजेक्ट के निर्माण का गौरव उसको मिलेगा जिसका प्रपोजल सर्वोत्तम होगा. सो जेंटलमैन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप टेंडर्स की ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी कराए पापा और मैं गैलेक्सी के वाइस चेयरमैन मिस्टर नाथ से हाथ मिला आया हूं. He is with us, Papa. Good. उगते हुए पौधे को पानी से सींचना ही काफी नहीं होता बेटे, कभी कभी उनकी जड़ों में खाद भी डालना पड़ता है. मैं समझता हूँ पापा, तभी तो 51,000 का टीका लगाया हूँ मिस्टर नाथ. पापा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे अलावा कोई और हत्या ही नहीं सकता. वैसे भी हमने जितना लो प्राइस कोट किया है कोई और हिम्मत भी नहीं कर सकता. मेरे मुकाबले आने की हिम्मत कोई और तो नहीं कर सकता, मगर बलदेव. इस बार उनकी दाल नहीं गलने की पापा. बलदेव सिंह के उसूल, उनकी ईमानदारी, उनकी नेकी, शराफत सब धरी की धरी रह जाएगी. यही तो नहीं हो सका. बलदेव के एक छोटे से सच ने मुझे बर्बाद कर दिया था. उसकी एक छोटी सी गवाही ने मुझे 3 साल की जेल करवा दी थी. देव को दाने दाने के लिए मोहताज कर दूं, यही मेरी जिंदगी का मकसद है सुजीत. उसने हमेशा मेरे रास्ते को काटने की कोशिश की है. उसे उसके किए की सजा. सजा मिलेगी पापा, मैं दूंगा सजा उसे. नहीं बेटे, बलदेव को मात देना
इतना आसान नहीं है पापा। मेरे लिए तो दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। यस यू आर राइट। हमने अपने कंपटीटर को हमेशा अपने से ज्यादा ताकतवर माना है, इसलिए मुकाबले के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मानता हूं डैड कि आप हमेशा बड़े अलर्ट रहे, लेकिन इस बार कुछ कोई खामी रह गई है क्या? डैड इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपने मुरलीधर जैसे ना तजुर्बेकार आर्किटेक्ट को मौका देने का जो रिस्क लिया है वो देखो, ये अनुभवी आंखें हीरे की परख जानती हैं। हमने सही आदमी चुनने में आज तक धोखा नहीं खाया, और मुरलीधर कोहिनूर हीरा है। देखना एक दिन किस बुलंदी तक पहुंचेगा। यू मे बी राइट एज यूजुअल डैड, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो इतनी की है और कोई आदमी शायद ही कर पाता। मैं रात दिन उनके साथ जो था। मेहनत तो हम सब ने मिलकर की है, मेहनत करना हमारा फर्ज है और फल देना उसकी इच्छा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ना मिला तो डैड? इसका मतलब ये होगा जो हमसे ज्यादा काबिल है उसे मिला है। और आपको कोई अफसोस नहीं होगा? नहीं बेटे, नाकामियों से आदमी को सीख मिलती है, और ये सीख ही मेहनत कश महत्वाकांक्षी इंसान को सफलता की चोटी तक ले जाती है। ओफो, पूजा खत्म होने को आ गई है, अभी तक तुम लोग निकले ही नहीं। अपने पापा को फोन दो। मॉम, डैड अभी बाहर निकल गए। जी हाँ जी हाँ, मुझे पता है वो सामने बैठे हैं, उन्हें फोन दो। ओके, यू आर द बॉस डैड। गायत्री, भाई देखो 5 बजे की मीटिंग और निकल आई है। अरे सुनो तो, देखो मैं धर्म को फौरन घर भेज रहा हूँ। आप भी जल्दी आने की कोशिश करिए ना। छो आ गया। आ गया, हर बात हंसी में टाल देते हैं, ना घर की सुध ना सेहत की परवाह, बस दिन रात काम ही काम। छोटी बहू। जी माँ जी, धर्म के लिए कुछ खाने को बना दे। पनीर पकौड़े तैयार है माँ जी, उनकी आदत पता है, आते ही कहेंगे भूख लगी है। कह नहीं सकती अब मैं भी क्या कहूं, कह कह के थक गई। मामा क्या सोच रही हो? तेरी बड़ी भाभी भाभी पूजा में शामिल हुई नहीं और चली भी गई, तो ये कौन सी नई बात है? वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम आज के दिन तो। मामा, भाभी अपने तौर तरीकों से जीने की आदी है, और तुम अपने संस्कारों के साथ। ना वो अपने विचार बदल सकती है और ना तुम अपने तरीके। और ये कौन सी कल परसों की बात है? तू चुप रह, तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तो मत करो। आरती लीजिए। बड़े यजमान तो कभी पूजा में होते ही नहीं, परंतु आज तो दोनों छोटे यजमान भी। जर्मन डेलीगेशन की मीटिंग आ रही है, उसी में थे। अच्छा, इस जर्मन डेलीगेशन में खाली जेंट्स थे या कुछ लेडीज भी थी? हाँ लेडीज भी थी। फिर अगली बार मुझे भी लेके चलना भाई। अच्छा अंदर चल, तेरी बीवी राधा तुझे बताती जर्मन डेलीगेशन में लेडीज कैसी होती है। चल अंदर। अरे राधा क्या जानती है जर्मन लेडीज के बारे। बेटे अंदर तो चल। हाँ भाई बोल दे बोल दे, यहाँ कौन डरता है। हाय राधा। हाय मॉम। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, जीते रहो। भाई इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे मालूम था, नाश्ता तैयार है, आइए ना भाई साहब। नहीं राधा मुझे भूख नहीं। बेटा। माँ अगर आप उर्मिला के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ प्लीज। I'm fed up. जितना मुझे रोकते टोकते हैं उतना ही वो जिद्दी और चिड़चिड़ी होती जा रही है। मैं अगर जिद पे आ गया झगड़ा और पड़ जाएगा वो।
कोई फायदा नहीं। फिर भी उसे समझा के तो देखो बेटा। समझाया उसे जाता है माँ, जो समझना चाहता हो। आजकल तो तू भी मुझे चुप करवा देता है। तुम अभी तक सोए नहीं? तीन पैक पी चुका हूं, और दो पैक पी लूं तो शायद। फिर भी शायद। पता नहीं क्यों तुम्हारी फैमिली में हर कोई शायद पे इतना जोर क्यों देता है। लुक एट मी, आई एम कॉन्फिडेंट, कैलकुलेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। इतना अहंकार अच्छा नहीं है उर्मिला। पॉजिटिव मेंटालिटी को तुम अहंकार कहते हो? यू एंड योर मेंटालिटी। डार्लिंग, तुम आज लड़ने के मूड में हो और मैं सोने के मूड में। मैं आज ताश में सेंट्रल काउंटर प्लस थी। बाकी सब चीजों में कितनी माइनस हुई तुम्हें पता है? व्हाट डू यू मीन? व्हाट आई मीन इज कि ना तुम्हें घर का, ना तुम्हें मेरी फिक्र, ना बच्चों की चिंता, ना बूढ़ों की इज्जत। ये सब कब तक चलेगा? यश, आज फिर शुरू हो गए तुम। आई एम ब्लडी फेड अप। लोग तुम्हें चाबी देते और तुम। मैं माँ बीवी बहू हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं मैं घर में किसी उजड़ गवार की तरह पड़ी रहूं। मैं कोई पालतू पंछी हूँ जो किसी पिंजरे में कैद रहे। उर्मिला, हर चीज की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। स्टॉप इट। नसीहतें ना तो मैंने अपने माँ बाप से ली थी, ना किसी और से लूंगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक खुद हूँ। मेरी आजादी पे अंकुश मत लगाओ। अदरवाइज व्हाट? पता नहीं, पता चल जाए। पापा, they have lost the deal. उसे मिला? बलदेव सिंह ठाकुर को। बलदेव सिंह ठाकुर? ये कॉन्ट्रैक्ट उस सरामजादे को? मतलब उसने प्राइस हमसे भी नोकआउट किया था? नहीं पापा, हमारे और उसके फिगर सेम है। यस पापा, एग्जैक्टली सेम है, एज इफ एक ही आदमी ने दोनों टेंडर्स भरे हो। बट हाउ इज इट पॉसिबल? आई डोंट बिलीव इट। इट इज इनक्रेडिबल। तुम्हें अपने हथकंडों पर बड़ा नाश था। ये सब कैसे हुआ? जरूर सरामजादे ने हमारे किसी आदमी को तोड़ा है, हमारे किसी आदमी ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। Don't have a नमक हराम, just go।
go and find that bloody bastard. ऐसा नहीं हो सकता पापा, हमारा कोई आदमी हमसे दगा नहीं कर सकता। दरअसल ठाकुर बलदेव सिंह को उसके आर्किटेक्ट मुरलीधर की आउटस्टैंडिंग प्लानिंग की मेरिट्स पर मिला है ये कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इसे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं साजिश तो जरूर हुई है। साजिश अगर हुई है तो हरमेश मल्होत्रा। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर ठाकुर, एक बार फिर आपकी योग्यता ने, आपके मेरिट ने यह कॉन्ट्रैक्ट जीता है। कंग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक्स। हरमेश, तुमने अपनी जात दिखाई होगी ना, पक्षपात नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं होगा। किस भाव बिके हो ये बताओ। स्टार बॉक्स में क्या देखा तुमने खरीदा है जो मैं नहीं दे सकता था? शट अप एंड बिहेव योरसेल्फ। ये मैनर्स, ये एटिकेट तुम्हारा, कुछ तमीज तहजीब। रहने दो मिस्टर मल्होत्रा, ये चौंचले रहने दो। जिस मंडी में धर्म, ईमान, कानून और इंसाफ सब कुछ बेचा खरीदा जाता है, उसी मंडी के दल्ले होकर मान मर्यादा की बातें करते हैं। शरीर बेच खाने वाला तहजीब और तमीज की बातें करता है। बस क्या कर लेगा तुम, कमाल खेच लेगा मेरी। अरे ये दीदे किसी और पे जाकर फाड़ना, कोलों से खेलने की हिम्मत रखता हूं मैं। ऐसे से ज्यादा मुंह मत खोलो गणपत, मैं तुम्हारी नादानियों को माफ करता आया हूं। मेरे सब्र को मतलब करो, एक हारी हुई जुआरी की तरह अपने ही नाखून से अपने बाल नोचने का तमाशा बंद करो। आई हैव नॉट लॉस्ट, हारा नहीं हूं मैं। मात नहीं दी है तूने मुझे, छल किया है मेरे साथ, धोखा किया है तुमने। छल छपट झूठ मक्कारी, ये हथकंडे वो आजमाते हैं जिन्हें अपने बूते पर भरोसा नहीं होता। अरे धनपत, तूने हमेशा औरों से छीनने की कोशिश की है, और छीनने को हक नहीं, लूट, लूट कहते हैं। और सच्चाई और ईमानदारी की दुनिया में अभी इतना अंधेरा नहीं फैला कि तेरे जैसा लुटेरा एक सच्चे का हक छीन ले। तुमने बाजीगर वाला जुनून तो है, जुआरी वाली फितरत भी है, लेकिन सब्र और संतोष नहीं। सब्र का दामन थाम लो तो शिकस्त का चेहरा नहीं दिखी देगा। तू मुझे नसीहत कर रहा है? तेरा रंग, तेरी जात, तेरी नस्ल की रग रग से वाकफ हूं मैं। शट अप! जिससे अपनी पहचान नहीं पता वो ये कह रहा है, धनपत राय सिंघानिया। अरे तुम्हें तो अभी तक अपनी असलियत का भी नहीं पता। अरे तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारा कुल गोत्र खानदान क्या है। जात पात की तो छोड़ो, तुम्हारी बदनसीब मां को तो यह भी नहीं पता था कि उसकी कोख में तुम्हारे वजूद का बीज कौन छोड़ गया। उदय, चिल्लाओ मत, सच्चाई सुनने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। अरे तुम एक तबाइफ की औलाद हो। ये खिलौना सच गणपत ने बताया मुझे, वो गणपत जो मेरे बाप की पेड़ी पर एक मुंशी था। तुम गणपत राय सिंघानिया की औलाद नहीं हो। एक तवायफ के पाप को पाल पोस कर उसने अपना कुल और नाम दिया तुम्हें। ये है तुम्हारी असलियत। यू आर अ बास्टर्ड। नाउ गेट लॉस्ट।
कल को इतना खनौना बना दूंगा कि तेरे जिस्म के कपड़े तक बड़े बाजार में ला जाएंगे। तेरी आन बान और शान, तेरी आन बान और शान की अर्थी बिना कफन ना उठी।